हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 और एक्सरसाइज है कि प्रूव दैट सम ऑफ टू सब स्पेसिस। अभी तक हम इंटरसेक्शन कर रहे थे, यूनियन कर रहे थे, और अब आगे सम। वो डिफाइंड किस तरीके से कि x प्लस वाई w1 प्लस w2 है और उसकी एलिमेंट्स कैसे डिफाइन है x प्लस वाई, कि x w1 को बिलोंग करना चाहिए और y w2 को। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट, तो इस तरीके से डिफाइंड है। इसको हमें प्रूफ करना है कि ये सब स्पेस है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, W1 और W2 दो सब स्पेसिस हैं वेक्टर स्पेस VF की, और W1 प्लस W2 कैसे डिफाइंड है, जो कि हमने ऊपर रखा था x प्लस वाई, सच दैट x बिलोंग्स टू W1 एंड y बिलोंग्स टू W2। अब 0 बिलोंग्स टू W1 तो होगा ही होगा, और 0 क्यों, क्योंकि दोनों सब स्पेसिस है। इसको आप लिख सकते हैं बिकॉज W1 एंड W2 आर सब स्पेसिस। ठीक है, तो 0 प्लस 0, जो कि असल में 0 होता है, वो बिलोंग कर जाएगा, और इस तरीके से W1 प्लस W2 नॉन एम्प्टी हो जाएगा। नॉन एम्प्टी हो गया तो एक बार तो हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो है वो बिलोंग करता है। तो इसके लिए हम अल्फा बीटा ले लेंगे और ए बी दो एलिमेंट ले लेंगे W1 प्लस W2 में। लेकिन हम जानते हैं कि ए बी अगर W1 प्लस W2 में है तो ए की फॉर्म कैसी होगी X1 प्लस Y1, बी की फॉर्म कैसी होगी X2 प्लस Y2। तो ये फॉर्म होगी, और इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि पहले वाला W1 में है, दूसरा वाला W2 में, पहला वाला W1 में है, दूसरा वाला W2 में। तो यही हमने रख दिया, तो ये हो गया। अब अल्फा ए प्लस बीटा बी को हमने प्रूफ करना है। तो देखिए, अल्फा इंटू ए को हमने ये ले लिया, बीटा इंटू बी को ये रख दिया, और अब इसको ओपन किया, ठीक है ना, क्योंकि ये भी फील्ड से आता है, ये भी फील्ड से ही आएगा। अच्छा, ये वेक्टर होगा, सॉरी X1 Y1, और ये कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, आपको पता है अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, ये M2 वाली प्रॉपर्टी होगी जो हम बता रहे हैं। तो M2 वाली प्रॉपर्टी से हमने इसको कर लिया। ये देखिए, अब क्या किया, बस स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो हम इसको ओपन कैसे किया, वही बताया आपको, जो कि अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इजिकल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी से। तो ये हो गया। अब देखिए, अब क्या है, ये एक है, ये दूसरा है, ठीक है, और अब इन दोनों को कंबाइन कर लिया कैसे। अब आप सोचेंगे, देखिए ये प्लस है, ये एक वेक्टर बनेगा और दूसरा भी वेक्टर बनेगा, और इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम शो कर सकते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, तो हम देखिए इसको और इसको कंबाइन कर, इसको यहाँ पे ले लेंगे। इसको कैसे किया, इसको ऐसे किया और इसको यहाँ पे एक्सचेंज किया, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ये हो गया और ये हो गया। और मुझे पता है ये वाला हिस्सा कहाँ पे बिलोंग करता है, W1 में। देखिए, X1 कहाँ पे है, W1 में, X2 कहाँ पे है, W1 में, अल्फा X1 कहाँ पे होगा, W1 में, ठीक है ना, ये सब कुछ W1 में होगा। तो ये भी पूरा का पूरा हिस्सा W1 में हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, तो ये हो गया भाई, तो ये वाला हिस्सा W2 में आ गया, ठीक है। और इसका रीजन ये दिया हुआ है कि अल्फा बीटा F में बिलोंग करते हैं और X1 X2 W1 में बिलोंग करते हैं। तो अल्फा X1 बीटा X2 कहाँ पे, क्योंकि ये सबस्पेस है, सबस्पेस है, तो ये हिस्सा यहाँ पे बिलोंग कर जाएगा। और वैसे ही W1 अगर सबस्पेस है, हाँ ये बता दिया, अल्फा बीटा फील्ड में होंगे और Y1 Y2 W2 में होगा, तो ये वाला जो हिस्सा है, हाँ ये बीटा लगाना था यहाँ पे, कि बीटा Y2, ठीक है ना, अल्फा Y1 प्लस बीटा Y2, ठीक है, तो बीटा होगा, तो ये सबस्पेस है, क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी अगर ये अगर W1 में है और ये भी W1 में है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, W1 में होगा, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हो गया हमारा, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, W1 प्लस W2 एक सबस्पेस हो गया और V का सबस्पेस हो गया, ठीक है। देखिए सेकेंड एक्सरसाइज क्या है, कि प्रूव दैट आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ए सब स्पेस ऑफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें
डब्ल्यू लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा, ये फैमिली ऑफ सब स्पेसिस ऑफ वी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, आर्बिटरी फैमिली को ऐसे ही डिनोट करते हैं हम, और हमने W क्या ले लिया, ये इंटरसेक्शन W लैम्डा, ठीक है, तो ये ले लिया हमने। अब इसको मैंने आर्बिटरी इंटरसेक्शन ले लिया, और W लैम्डा क्या है, इज ए सब स्पेस ऑफ वी एफ फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा। हमें पता है जीरो बिलोंग्स टू W लैम्डा है और लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा है, दिस इंप्लाइज जीरो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ W लैम्डा, ठीक है ना। देखिए जीरो अगर हर एक W लैम्डा में होगा तो उसकी आर्बिटरी इंटरसेक्शन में भी आ गया। फॉर ऑल इसको कन्वर्ट करके, देखिए इसको कन्वर्ट करके मैं ये लिखता हूँ, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश है, ये इसका सिंबल है, और इसका मतलब ये, इसको मैंने क्या रखा था, इसको W रखा था, तो ये W हो गया, और इसका मतलब W नॉन एम्प्टी हो गया। अब क्या करना है, हमें तो प्रूफ करना है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करना चाहिए W में। तो देखिए हमने क्या ले लिया कि अल्फा बीटा अगर फील्ड में है और एक्स वाई W लैम्डा में है तो क्या होगा, हर एक W लैम्डा में, हर एक W लैम्डा में ये बिलोंग करेगा, क्यों, बिकॉज ईच W लैम्डा इज ए सबस्पेस ऑफ V, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हर एक में है, फॉर ऑल में है, तो ये इसकी इंटरसेक्शन में आ जाएगा। आपको पता है इसका सिंबल क्या होता है, इसको लिखने का ये तरीका है, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है, W, तो ये W में हो गया, ठीक है। तो ये हो गया W एक सबस्पेस हो गई, क्योंकि तो देयरफॉर आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस इज ए सबस्पेस ऑफ V, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट, देखिए अब W1 कितने टपल है, 4 टपल में है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि पहले वाला दूसरे के इक्वल होगा और तीसरे वाला चौथे के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको इसको प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। और सेकंड भी है, देखिए सेकंड में क्या है कि पहले वाला दूसरे के नेगेटिव होगा, तीसरे वाला चौथे के नेगेटिव होगा, तो ये प्रॉपर्टी है। इसमें से एक पार्ट में करवाऊंगा, दूसरा आपका होमवर्क है, ठीक है। देखिए तो अगर W ये है जो कि हमें दिया हुआ है, तो हमें तो पहले बताना, देखिए 0 0 0 ये सारा बिलोंग करेगा, क्यों, कि प्रॉपर्टी थी कि पहले वाला दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तीसरे वाला चौथे के इक्वल होना चाहिए, तो ये हो गया, तो वो है, ठीक है ना। तो इसका रीजन देने का कोई मतलब नहीं है, 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0, आप देख लीजिए कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये हो गया, ठीक है। तो W1 इज ए नॉन एम्प्टी, W1 इज ए नॉन एम्प्टी, इज नॉन एम्प्टी, ठीक है, इतना ही रखते हैं। अल्फा बीटा, देखिए अब तो प्रूफ करना है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये प्रूफ करना है इसमें W में, तो उसको प्रूफ करते हैं, W1 है सॉरी, ठीक है। तो X क्या हो जाएगा, ये ले लेंगे, Y क्या, देखिए अगर ये एक्स वाई बिलोंग्स टू W1 है तो प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, तो क्या पहला दूसरे के इक्वल, तीसरा चौथे के इक्वल, वैसे ही दूसरे में क्या हो जाएगा, ये पहला दूसरे के, तीसरा चौथे के। अब हमने अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ले लिया, अल्फा ले लिया, एक्स ले लिया, देखिए उनको प्लस किया, पहले तो स्केलर मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने प्लस कर दिया। अब क्या, मैंने सीधा लिख दिया बिलोंग्स टू W1, क्यों, देखिए अगर एक्स वन वाई टू के इक्वल है, सॉरी एक्स वन एक्स थ्री के इक्वल है और वाई वन वाई थ्री के इक्वल है, नहीं ऐसा नहीं था, रुकिए, हमें गिवन था, जस्ट अ सेकेंड, हमें गिवन था X1 X2 के इक्वल है और Y1 Y2 के इक्वल है, तो वही मैंने लिखा है कि अगर X1 X2 के इक्वल है और Y1 Y2 के इक्वल है, तो अल्फा X1 बीटा Y1, देखिए अल्फा अल्फा सेम है, X1 X2 के इक्वल है, बीटा बीटा सेम है, Y1 Y2 के सेम है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो पहले वाला दूसरे वाले के इक्वल हो गया, वैसे ही X3 X4 के इक्वल है, Y3 Y4 के इक्वल है, तो ये इक्वल हो गए, तो दूसरे वाला भी, तीसरे वाला भी चौथे के इक्वल हो गए, ठीक है ना। और यही था प्रॉपर्टी कि अगर पहला टपल दूसरे के इक्वल होगा, तीसरा टपल चौथे के इक्वल होगा, तो वो W1 में बिलोंग कर जाएगा, तो बिलोंग कर गया, W1 इज ए सबस्पेस ऑफ R4। तो ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है, बिल्कुल सेम है सेकंड पार्ट इसका, ठीक है ना। इसमें आपको W2 इज इक्वल टू यही दिया है, X1 X2 X3 X4 सच दैट X1 इज इक्वल टू माइनस X2, X3 इज इक्वल टू माइनस X4। अब सिर्फ माइनस का फर्क है और ये आप कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है।
तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू ऑल।